अफगानिस्तान से आकर भारत बसा था इस अभिनेता का परिवार लव लाइफ को लेकर रहा था चर्चा में। फिरोज खान का नाम हिंदी सिनेमा में 70 से 80 के दशक के सबसे स्टाइलिश हीरो में आता है। उन्हें बॉलीवुड का काउबॉय कहा जाता था। 25 सितंबर 1939 को बंगलुरु में जन्मे फिरोज खान ने अपने शाही अंदाज को कभी नहीं छोड़ा। आगे की स्लाइड में देखिए उनसे जुड़ी कुछ खास बातें। जुल्फिकार अली शाह खान के घर में जन्मे फिरोज खान एक अभिनेता होने के साथ साथ निर्माता और निर्देशक भी थे। फिरोज खान का परिवार अफगानिस्तान से भारत पहुंचा था। उनके पिता अफगानिस्तान के गजनी में रहते थे जबकि उनकी मां ईरानी थी। फिरोज खान को देर रात तक पार्टियां करने का शौक था। उनकी पार्टी में बॉलीवुड के बड़े बड़े सितारे शामिल होते थे। फिरोज खान के इस शौक से सभी वाकिफ थे। ऐसी ही एक पार्टी के दौरान फिरोज खान की मुलाकात सुंदरी से हुई। 5 साल तक डेट करने के बाद फिरोज और सुंदरी ने 1965 में शादी कर ली। फिरोज खान और सुंदरी के 2 बच्चे हुए। बेटी लैला का जन्म 1970 में हुआ था जबकि फरदीन खान का जन्म 1974 में हुआ। उस वक्त खबरें ऐसी थी कि शादी के कुछ ही सालों बाद सुंदरी को पता चला कि फिरोज किसी लड़की को डेट कर रहे हैं। फिरोज की मुलाकात एयर होस्टेस ज्योतिका धनराजगिर से हुई। ज्योतिका के पिता राजा महेंद्र गिर धनराजगिर थे। पहले तो सुंदरी ने फिरोज को समझाने की खूब कोशिश की लेकिन जब वो नहीं माने तो दोनों एक ही घर में अलग अलग रहने लगे। वहीं जब ज्योतिका ने शादी की बात की तो फिरोज मुकर गए। ज्योतिका को फिरोज के इस रवैये से झटका लगा था जिसके बाद वो लंदन में शिफ्ट हो गई। वहीं शादी के 20 साल बाद साल 1985 में फिरोज खान और सुंदरी के बीच तलाक हो गया।